हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बायोलॉजी, क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी में आप लोग को बताने वाला हूँ बच्चों। क्या बताने वाला हूँ कि 30% जो आपका सिलेबस कम कर दिया गया है कोविड-19 महामारी की वजह से, जो आपके विद्यालय में, जैसे कि आप सभी को पता है कि जुलाई से शुरू हो जाता था आपका सत्र, लेकिन इस बार समय से पठन पाठन आपका शुरू नहीं हो सका है, जिसके वजह से विषय विशेषज्ञों से बात करके 30% का सिलेबस आपका रिड्यूस्ड कर दिया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट से। तो मैं स्पेशली आज इस विषय में बात करने वाला हूँ, जिस विषय पे, जीव विज्ञान पे बात करूँगा बच्चों, जिसमें 30% सिलेबस क्या क्या कम कर दिया गया है और बाकी 70% में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, चैप्टर वाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आज की आपकी, अगर जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपनी किताब सामने रख लीजिए, ठीक है, और क्या कीजिए, पॉइंट करते हुए उस जो निकल चुके हैं आपसे सिलेबस से कम कर दिए गए, रिड्यूस्ड कर दिए गए पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को आप काट दीजिए और जो चीज़ आपको पढ़नी है उस पॉइंट्स को आप लगा लीजिए। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से आपको अपनी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त 30% पाठ्यक्रम कम किया गया, ठीक है। इसमें जो इकाई फर्स्ट आपकी थी, यूनिट फर्स्ट में जनन में देखिए, पहला चैप्टर आप लोग का क्या था, जीवों में जनन। ये जो जीवों में जनन था बच्चों, इसमें से क्या क्या चीज़ें, जनन से क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है वो पहले समझिए। जीवों की एक प्रमुख लक्षण, जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों में निरंतरता बनाए रखने में सहायक, ठीक है, जनन की विधियां में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रवर्धन, जिम्यूल निर्माण, खंडी भवन, पुनरुद्भवन, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों यूनिट सेकेंड की इकाई दो की, जिसका, ठीक है, अनुवंशिकी और विकास था आप लोग का। इसमें विकास में क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पूरा जीव पराजीवी, तुलनात्मक शरीर की रचना, भ्रूण की, आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएँ एवं प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अपवाह, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ से नहीं पढ़नी है। इकाई थर्ड की बात करें बच्चों, इकाई थर्ड में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है, इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ये सारी चीज़ें अब आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। इकाई पाँच जो है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, इस परितंत्र में आप लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ना है, संरचना, ठीक है, घटक उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड, पोषक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, परितंत्र सेवाएँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन अवमुक्ति, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। पर्यावरण के मुद्दे की बात करें तो इसमें वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण, कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अवक्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई 3 केस स्टडी, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। और यहाँ से आपके कुछ क्या है बच्चों, प्रयोग भी हटा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या आपका प्रयोग हटा दिया गया है, ठीक है, पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, प्रयोग की सूची, पहला है दो व्यापक रूप से भिन्न स्थलों की वायु में निलंबित कणिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना, अब यह आपका प्रयोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। दूसरा है क्या, क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तीसरा है आप लोग का क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि का अध्ययन करना, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। ख में देख लीजिए, निम्नलिखित का अध्ययन, प्रेचर स्पॉटिंग, एक अस्थाई स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना, अब ये भी आपको नहीं पढ़ना है। किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार के बीजों की सहायता से मेंडलीय वंशागति का अध्ययन करना है, जो आपका एक्सपेरिमेंट था ये भी नहीं है। नियंत्रित परगित बाध्यकरण, टैगिंग और बेगिंग का अभ्यास, ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स अब आपको नहीं करने हैं।
ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में, क्योंकि 30% का जो सिलेबस कम किया गया है उसके अंतर्गत एक एक्सपेरिमेंट भी कम कर दिए गए हैं। अब तो ये तो कम करने वाले थे, अब देखेंगे कि जो 70% बचा हुआ है वो क्या क्या हमें पढ़ना है 70% में। तो थोड़ी सी मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूँ, यहाँ पे जानकारी देखिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल पेपर तो आपका 100 नंबर का ही होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का ही होता है। कितने नंबर का होता है बच्चों, 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि आपको पता है कि 70 नंबर आपकी क्या है, 70 नंबर आपका थ्योरी होगा, पेपर 70 नंबर का होगा, और उस 70 नंबर में से आपको 23 नंबर कम से कम पास होने के लिए, कम से कम आपको 23 नंबर लाना होगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर आपका प्रयोगात्मक होगा यानी कि प्रैक्टिकल होगा, इसमें से आपको कम से कम 10 नंबर यानी कि कम से कम आपको 23-10-33 नंबर पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा, 33 नंबर आएगा तभी आप पास हो पाओगे। तो बच्चों इस 33 नंबर के चक्कर में ना पड़िए, आप अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी से, जो आपका अपना ही चैनल है, इससे जुड़िए। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो आप लोग का शीर्षक है, यानी कि कौन कौन से लेसन से आप लोग का क्या क्या चीज़ है। जनन, जनन आपका 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, जनन से आप लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। आनुवंशिकी और विकास, इससे 18 नंबर का। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से आपका बनेगा 14 नंबर का क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से बनेगा 10 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से बनेगा 14 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने नंबर के हो जाते हैं बच्चों, ये आपके हो जाते हैं 70 नंबर के, और बाकी 30 नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। समझ गए, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको अब क्या किया गया, बहुत ही आप लोग का बताया गया है पूरा एक एक पॉइंट्स को कि किस चैप्टर से कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है। तो मैं उसको भी आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग अगर ये पॉइंट वाइज लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो है उसमें पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास, परागण प्रकार, अभिकर्मक एवं ये क्या है बच्चों, उदाहरण, बही प्रजनन, युक्तियाँ, पराग स्त्री केशर संकर्षण, द्वारा निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण, विशेष विधियां, ठीक है, एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज एवं फल निर्माण का महत्व, और यहाँ पे मादा जनन की बात करें बच्चों, नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर की रचना, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, अंड जनन, मासिक चक्र, निषेचन, अंत्रोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, सगर्भता एवं प्लेसेटा निर्माण, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप अपनी किताब में चैप्टर वाइज लगाइए। ये तीसरा चैप्टर आपका मानव जनन है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आप हेडिंग पे टिक कीजिए। दूसरे चैप्टर में पुष्पी पादकों में लैंगिक जनन में क्या क्या पढ़ना है हेडिंग पे टिक कीजिए। और यहाँ पे चौथे में जनन स्वास्थ्य जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियां, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, एमिनोसेंटिस, बाध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक ज्ञान इससे पूछे जा सकते हैं आपके। तो ये हुआ बच्चों सेकेंड में आनुवंशिक जो था आप लोग का, उसमें जो 18 नंबर का पूछा जाएगा वह क्या क्या होगा वो देख लीजिए, वंशगति और विविधता, मेंडलीय वंशगति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, गुणात्मक विकल्पीय रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉपी, बहुजनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम्स और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, सहलग्नता और जीन विनिमय, लिंग सहलग्न वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मनुष्य में मेंडलीय प्रकार, थैलेसेमिया, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सेकेंड में बात करें वंशागति का जो आणविक आधार है इसमें क्या क्या पढ़ना है, अनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एवं अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए व आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोगोमा, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट, रूपांतरण जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैक ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव, जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब जीव विज्ञान और मानव कल्याण में देख लें, जो 14 नंबर का आप लोग का बनने वाला था उसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, मानव स्वास्थ्य और रोग, रोगजनक मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियसिस, एस्केरियसिस, टाइफाइड, जुकाम, न्यूमोनिया, एमीबाइसिस, रिंग वार्म एवं उनकी रोकथाम, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, ठीक है, जैसे टीके, कैंसर, एचआईवी और एड्स, यौवनावस्था, नशीले पदार्थ और एल्कोहल का कुप्रयोग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, देखिए मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है उसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वायुमल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक, कारक के रूप में जैव उर्वरक, इकाई 4 में आप देख सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, यूनिट 4 में क्या क्या बताया जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग में, अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ेंगे आप, जो 10 नंबर का पूछा जाने वाला है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से, जैव प्रौद्योगिकी की स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव, फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इकाई 5 में बात करें बच्चों, जो कि आप लोग का लास्ट इकाई होगा, यूनिट 5, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जीव और पर्यावरण, जीव और पर्यावरण, वास स्थान एवं कर्मता, समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन, समष्टि, पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण, वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु, वितरण, ठीक है। इसमें जो थर्ड आप लोग का आता है जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संचरण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। तो आई थिंक कि बच्चों उसके बाद यहाँ पे आप लोग का 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें क्या क्या होगा वो भी देख लीजिए। स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन कराया जाएगा, कम से कम 2 स्थानों के बीच मृदा एकत्र करके उसमें मृदा की बनावट, नमी, निहित वस्तुएं, जल धारण क्षमता और उसमें पाए जाने वाले पौधों में सहसंबंध का अध्ययन करना है। अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी एकत्र कर पानी के शुद्धता एवं जीवित जीवों का अध्ययन करना, समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना, स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग, ठीक है, के प्रभाव का अध्ययन करना, उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से कुछ को पृथक करना। आई थिंक कि बच्चों ये आप लोग का प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल टोटल सिलेबस हमने आप लोग को बता दिया, एक चैप्टर से कितना आएगा, कहाँ तक आएगा, कौन कौन सी हेडिंग आपको पढ़नी है और क्या क्या आपकी जीव विज्ञान से निकाल दिया गया था, सारी चीजें हमने यहाँ पे आपकी कवर कर दिया। अब 100% आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे अगर इतना पढ़ ले रहे हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप विजिट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हर प्रकार के सब्जेक्ट से पढ़ाई जाने लगी है, धीरे धीरे करके आपके बोर्ड एग्जाम के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। आपका ही अपना चैनल है, आपके ही द्वारा बनाया गया है, आपके प्यार से चलने वाला चैनल है, जिस हिसाब से आप लोग लाइक कमेंट इस समय कर रहे हैं उससे हम लोग का उत्साह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो और हम लोग क्या है कि जब उत्साह इतनी तेजी से पड़ा तो और ज्यादा मेहनत करके पढ़ाना चाहते हैं आप लोग को। तो इसके साथ आप दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्या कीजिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वैसे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।